कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने अकाउंट को किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल को किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हुए डेस्कटॉप साइट पे ओपन किया था यूट्यूब को और आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करने का तरीका यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है, सर हमारा जो गूगल क्रोम है वो डेस्कटॉप साइट पे तो ओपन हो रहा है लेकिन हमारी जो यूट्यूब है वो मेन एप्लीकेशन पे ही रिडायरेक्ट कर रहा है। तो मैंने खुद से इस मैसेज को रीड किया और इस चीज़ को रियलाइज़ किया फिर कि ये शायद हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो क्योंकि मेरा तो YouTube ओपन हो रहा था डेस्कटॉप साइट मोड में लेकिन उनका नहीं हो रहा था। तो खैर मैंने यहाँ पे पूरा जो क्रोम था क्रोम की पूरी हिस्ट्री रिमूव की, रिमूव करने के बाद में फिर मैंने ट्राई किया इस चीज़ को कि दोबारा से YouTube को ओपन किया डेस्कटॉप साइट मोड पे, लेकिन वो क्या कर रहा था ब्राउज़र वहाँ पे, वो मेन जो YouTube की मोबाइल ऐप है तो मेन ऐप पे ही रिडायरेक्ट कर रहा था। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा कि आप YouTube को अपने डेस्कटॉप साइट मोड में किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। तो चलिए मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपको करना क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे youtube.com ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन करने के बाद में आपको जो सबसे पहला लिंक आ रहा है YouTube का, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए मेन एप्लीकेशन जो है YouTube की वहाँ पे रिडायरेक्शन दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये मेन एप्लीकेशन पे रिडायरेक्शन कर रहा है। तो हमें सिंपल क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको सिर्फ यहाँ पे सबसे यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे YouTube डैशबोर्ड लिख देना है। जैसे ही आप यहाँ पे YouTube डैशबोर्ड लिखेंगे तो सबसे ऊपर YouTube डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो सबसे पहले वाला लिंक आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो ये आपको YouTube की मेन एप्लीकेशन पे नहीं लेके जाएगा, ये यहां पे आपको YouTube की डेस्कटॉप साइट पे ही ओपन कर देगा। यहां पे देखिए आपको ये इस तरीके से ऑप्शन मिल सकता है ट्राई आउट द YouTube स्टूडियो ऐप। तो यहां पे आपको नीचे का एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंटिन्यू टू स्टूडियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो YouTube है वो डेस्कटॉप साइट पे ओपन हो चुकी है। यहाँ पे पूरा स्टूडियो आपको शो कर रहा है, यहाँ पे हमारे चैनल का लोगो साइड में शो कर रहा है। यहाँ से आप अपने चैनल की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइड में कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं जैसे कि चैनल कस्टमाइजेशन, ये भी शो कर रहा है, और यहाँ पे चैनल कॉपीराइट भी आपको शो कर रहा है। यहाँ से आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं और अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।